हमारा ब्लॉगर गया है पानी बॉटल लेने, भैया ऑटो चालू कर दिए, भैया बोल रहे हैं कि गाइस अभी हम निकल चुके हैं नानाखेड़ा के लिए, नानाखेड़ा से बस लेंगे इंदौर के लिए, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्ट ओंकारेश्वर के लिए बस नहीं है, सुबह और शाम बस चलती है बस। तो अपन अभी निकल चुके हैं, जो अपन छोड़ चुके हैं बस, अब अपन निकलेंगे इंदौर के लिए, इंदौर से लेंगे फिर ओंकारेश्वर के लिए बस। ये सीन है, अभी अपन ऑटो में जा रहे हैं, गाना भी चल रहा है बहुत ज्यादा भैया, याद नहीं आई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन के, यहाँ से ओंकारेश्वर के लिए भी डायरेक्ट बस मिल गई है, लोकल बस ही है, नॉन एसी तो अपनी छूट गई है, मतलब एसी वाली छूट गई है। अरे चला जाएगा बाबू, देखना ज्यादा वो नहीं करना, उसको प्रसाद यहाँ से अपन डायरेक्ट ओंकारेश्वर के लिए निकलेंगे, पकड़ के बैठ जाएंगे, बाकी देखो कैसा रहता है सफर, क्या कैसा रहता है। ठीक है बैठते हैं, मिड सफर का आनंद लेते हैं। अपनी बस यहाँ से निकल चुकी है ओंकारेश्वर के लिए, देख सकते हो अभी बस पूरी खाली, मैं अकेला यहाँ सीट पर बैठा हूँ। नहीं लगा ना, ब्लॉगर खावा खाब मचाया हुआ है, बहुत भूखा था बेचारा, प्यार का भी और खाने का भी। इंदौर बस स्टैंड पहुंच गए हैं, अब यहाँ से बस लेंगे ओंकारेश्वर के लिए, ये अंकल हैं बस दिलवाए हैं, बस अब ओंकारेश्वर के लिए बस मिल गई, अब यहाँ से अपन ओंकारेश्वर के लिए जाएंगे, बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, समय भी निकाल यार, कल्लू हो गया, चश्मा मेरा लाए हो घर में रखा है, बैठ गया सीट में, गैस निकाल लेते यार एटीएम से। फाइनली हम ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं, ओंकारेश्वर के बस स्टैंड में हैं, देख सकते हो अभी अभी मिल गए हैं, ऑटो हमने लिया है, अब हम मंदिर तक ऑटो से ही जाएंगे, ये अपन बस से उतरे ही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए हैं, बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, अब जाके नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। ठीक है, इसकी बनाओ ना, इसकी शक्ल की क्या बनाओ भाई, चौकना नहीं भाई, अबे धूप लग रही यार, तुम खुल के बैठवा दिए यार।